नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूथ इनपुट चैनल। और दोस्तों आपका चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धरना प्रदर्शन की जो सुगबगाहट है वो बहुत तेज हो चुकी है। आप देख सकते हैं भीड़ शिक्षकों की किस तरह से आ रही है। सभी शिक्षक कितनी मेहनत करके इस धरना प्रदर्शन में पहुंचते हैं, हम आपको बताएंगे कि किसको कितना मेहनत लगता है यहाँ तक पहुँचने में, धरना प्रदर्शन में कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों से, तो पूछते हैं कि धरना प्रदर्शन में आए हुए हैं कैसे आए हैं? बस से आए। क्या चीज़ से? बस से आए। तकलीफ हुआ है आपको आने में? नहीं, कोई तकलीफ। मतलब रास्ते में कोई दिक्कत उक्कत? नहीं, कोई परेशानी तो हुई है? अभी खाए पिए भी नहीं है। परेशानी तो है। बाकी शिक्षक जो घर बैठ के आराम कर रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही अनुरोध है कि वो भी जो है ना अपने जो एकता का परिचय दें। बिना एकता का जो है ना इस राज्य में, बिहार में कुछ होने वाला नहीं। ओके, थैंक यू। आइए कुछ शिक्षकों से और बात करते हैं। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक यहाँ आए हुए हैं। यहाँ पे कुछ और शिक्षक हैं जिनसे हम बात करते हैं। आप सभी धरना में आए हुए हैं सर। तकलीफ हुआ है धरना माने में आपको? तकलीफ तो होता ही है। जो शिक्षक घर पे बैठे हुए हैं उनके लिए बताइए। जो घर पे बैठे हुए हैं वो महाकाम चोर है, वो वेट करते हैं कि मेरे बदले कोई दूसरा लड़े और हम लोग बैठे बैठे उसका आनंद ले। लेकिन वो भी चलिए, उनके लिए भी हम लोग आए हैं। तो मैं ये कहूँगा ऐसे मित्रों को आना चाहिए, यानी कि जितना कष्ट काट के आप लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, बाकी जो शिक्षक नहीं आए हैं उनको शर्म इस पे जरूर करना चाहिए। यहाँ पे रामनगर प्रखंड के अध्यक्ष आयुष कुमार जी हैं। जरा बताइए आपको धरना प्रदर्शन माने में कितनी तकलीफ हुई है? कोई तकलीफ नहीं हुई है, अपने हक की लड़ाई है, कोई तकलीफ नहीं हुई है। परेशानी तो उठाना पड़ा होगा? परेशानी क्या है, जब तकलीफ नहीं है तो परेशानी क्या है? मतलब जो शिक्षक घर पे आराम कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि नहीं धरना में जाने से कोई फायदा नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज है? तो बहुत बहुत बधाई घर पर रहे और हम लोग यहाँ से आंदोलन का फोटो खींचते रहेंगे, अपने घर में आंदोलन करते रहेंगे। यहाँ रामनगर के शिक्षक नेमतुल्ला जी हैं, ये बताएंगे धरना में आने में क्या तकलीफ हुई है इनको? कोई परेशानी नहीं हुई है। रास्ते में मेहनत तो लगा होगा ना, गर्मी उर्मी लगा होगा, मन उब गया होगा आने में, लेकिन फिर भी हिम्मत है कि चलना है धरना में। ऐसा सभी शिक्षकों को सोचना चाहिए। सभी शिक्षकों को सोचना चाहिए जो घर पे हैं, वो भी अपना स्कूल बंद करके घर पे रहे। अभी अपने बीवी बच्चों का अकेले हैं, है कि नहीं है? तो बाकी जो शिक्षक हैं उनको भी तो आना चाहिए ना यहाँ पे। आना चाहिए, बिल्कुल चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और शिक्षकों से बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे रामनगर का बहुत सारे शिक्षक हैं जो बताएंगे कि धरना में कितनी दिक्कत हो रही है आने में, यहाँ कितनी गर्मी है। चलिए रामान जी बताइए धरना प्रदर्शन में यहाँ पे किस तरह की कितना मेहनत लग रहा है हम लोग आने में और कितनी तकलीफ है, झेलनी पड़ी है? दिक्कतों के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। बहुत संख्या अभी तक जो है 10 बजने जा रहे हैं, लगभग 25 से 30 हजार लोग पहुँच चुके हैं। 11 बजे तक हमारी संख्या किसी तरह भी 1 लाख के आसपास हो जाएगी, कम से कम 1 लाख हो जाएगी। रामनगर के जो शिक्षक आराम कर रहे हैं उनके लिए बताइए। जो शिक्षक घर में बैठे हुए हैं उनको ये कहना चाहते हैं भाई कि वो भी जागरूक हो, घर बैठने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप सोचे कि भाई घर पे मिलने वाला हो तो हम लोग भी घर पे बैठ जाते हैं। यहाँ रामनगर के और भी शिक्षक है, रंजीत जी हैं। रंजीत जी जरा अपना मतलब यहाँ का बताइए, कैसा अनुभव है आपका बताइए जरा। अरे शर्माइए नहीं, अब बताइए। अरे बोलिए, यहाँ पे माहौल जो है बहुत खतरनाक है और सब शिक्षक आकर यहाँ पर डटे हुए हैं। जो शिक्षक नहीं आए हुए हैं उनके लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जो नहीं पहुँचे। ऐसी मौका पर उन्हें हर समय साथ देना चाहिए और उनका अपना भी दायित्व बनता है। खतरनाक कहने का सेंस ये है कि मौसम में गर्मी ज्यादा है, वैसे माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है। सर कहाँ से आप हैं? रामनगर से। बताइए जरा क्या मैसेज देना चाहेंगे वैसे शिक्षकों को जो घर पे बैठे हैं? पहले भी धरना प्रदर्शन हुआ, इस बार जो धरना प्रदर्शन हो रहा है उसको देखकर लगता है कि हाँ सारे लोग जागरूक होकर और सारे लोग एक बैनर के अंदर आकर और बहुत अच्छा रणनीति लगाकर इस बार एकजुटता दिख रही है। जी बिल्कुल दिख रही है। यहाँ पे रामनगर के शिक्षक टुन्नू कुमार जी, जरा बताइए।
सुनील कुमार जी, यहाँ तक आने में बहुत मेरे अच्छा सफर रहा, और रह गई बात की कि हमारे जो भी भाई हैं वो यहाँ तक नहीं पहुँचे, बहुत ही मैंने निंदा उनका करता हूँ। चलिए धन्यवाद सुनील जी। अरुण सर बोल दिए। सर आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? आरा से। आरा से आए हुए हैं, धूप तो बहुत ज्यादा है, ये आप लोग भी महसूस कर रहे हैं, हम लोग भी महसूस कर रहे हैं। और वैसे शिक्षकों के लिए क्या मैसेज है जो घर पे बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि नहीं क्या क्या फायदा धरना में जाने पे? आप लोग बोलिए, सब कोई बोलिए, कहाँ से आ रहे हैं आप लोग, कहाँ से? हम लोग भोजपुर इकाई से आए हुए हैं। भोजपुर बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बहुत चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन फिर भी शिक्षक यहाँ पे खड़े हैं। और बताइए आप वैसे शिक्षकों क्या कहेंगे जो घर पे बैठे हुए हैं? निश्चित तौर पे वो घुन की तरह है हमारे शिक्षक समाज के लिए, और वो अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं है। यदि शिक्षक अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक नहीं और आज घरों में बैठे हुए हैं, तो वैसे शिक्षकों को शर्म करनी चाहिए कि जो अपने अधिकार के नहीं लड़ लिए नहीं लड़ सकते, वो क्या राष्ट्र का निर्माण करेंगे और राष्ट्र के अधिकार के लिए क्या लड़ेंगे। तो अभी भी समय है, एक एक शिक्षक को जागना होगा और आगे बढ़ के आना पड़ेगा, और अपनी लड़ाई के लिए, क्योंकि ये लड़ाई ऐसा नहीं कि हम अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं, ये लड़ाई बिहार के लिए है, ये लड़ाई राष्ट्र के निर्माण के लिए है, ये लड़ाई शिक्षा के उत्थान के लिए है। जो ये हमारी सरकार, बिहार सरकार हो या केंद्र सरकार, शिक्षा को जो गर्त में ले जाने का काम कर रही है, हम उससे संघर्ष कर रहे हैं। तो मैं आह्वान करूंगा एक बार फिर से उन शिक्षकों को कि आपने जो चूड़ियां पहन रखी हैं उनको तोड़िए और बाहर आइए और सरकार के साथ लड़कर हमारे समाज को, हमारे बिहार को और हमारे राष्ट्र को उसका अधिकार दिलाइए। यानी कि लड़ाई की आगाज है, और ये कहना चाह रहा है कि सभी शिक्षक